नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज की इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे संवर्धन मदरसन स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में मुझे ऐसा लगता है कि इस समय बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में 100 के प्राइस से एक डाउन ट्रेंड दिखा और इस समय 88 के प्राइस पे दिख रहा है। और यहाँ देखेंगे तो 1 मंथ में अच्छी खासी गिरावट रही है। यहाँ देखेंगे नियर अराउंड 8% के डाउन ट्रेंड दिखे। रिसेंट में स्टॉक ने Q2 के नंबर्स भी क्लियर करे जो बहुत फेवरेबल नहीं रहे थे। तो आगे के ट्रेंड और नंबर्स को समझे इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन के लिंक से चाहे तो अकाउंट ओपन कर लेंगे, जिससे आपको एक्टिव ट्रेडिंग कम्युनिटी लर्निंग ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। यहाँ देखेंगे नियर अराउंड 90% के आसपास का ट्रेंड इसके लोअर प्राइस से हायर प्राइस जो की विद इन 1 ईयर के ड्यूरेशन में दिखा है। पहले इसके क्वार्टरली नंबर्स को एक बार अगेन देखेंगे। यहाँ इसके नंबर्स को देखें तो 60,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर इस समय प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो इंडस्ट्री के ऊपर इसीलिए दिख रहा है क्योंकि कंपनी ने काफी सारे एक्विजिशन करे हैं, कंपनी के डेट बढ़ते दिखे हैं, तो ये सब कारण रही है जिसके कारण रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड कम हुए और पी जो है वो हायर प्राइस पे दिख रहा है। इसके अलावे अगर देखेंगे आगे कंपनी में तो मैं ये दिखाऊं कि जो सेल्स रहे थे, यहां देखेंगे वो सेल्स जो रहा था वो हाईएस्ट एवर रहा था। क्या रहा था? इसके सेल्स जो रहे थे वो हाईएस्ट एवर रहे थे, लेकिन प्रॉफिट काफी वीक रहा और वो भी देखेंगे तो 5-7 क्वार्टर के पहले वाले नंबर्स जो है देखने को मिले हैं। यहां देखेंगे ये दिखे हैं, तो यहां जो प्रॉफिट रही है वो देखेंगे तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे माइनस में रहा है, लेकिन इसको अगर सेप्टेम्बर के बेसिस पे देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नंबर्स भी बेटर रहे। और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे इसीलिए कम रहा क्योंकि टैक्सेशन कंपनी की ज्यादा रही है। 29% से ऑलरेडी कंपनी ने 44% वन टाइम टैक्स पे कर दिए हैं, जिससे आगे की टैक्स जो है वो बर्डन काफी कम होते दिखेगा, तो बिल्कुल कंसर्न नहीं होना चाहिए। यहां देखेंगे तो कंपनी के डेट जो है थोड़ा बढ़ता हुआ दिखा है। अगर मैं आगे आपको दिखाऊं तो यहां देखेंगे कि कंपनी के डेट बढ़े हैं, मल्टीपल एक्विजिशन करे हैं जिसको लेकर के डेट यहां देखेंगे तो लगभग डबल होते हुए दिखा है। और मुझे लगता है कि काफी आसानी से ये डेट को रीपे कर सकती है। इस समय यहाँ देखेंगे जो ऑलरेडी कंपनी के पास रिजर्व है ही, लेकिन कैपिटल वर्किंग इन प्रोग्रेस में देखेंगे तो काफी सारे कंपनी ने कैपेक्स पिछले लगभग 3-4 क्वार्टर से कंटिन्यूअस कैपेक्स कर रही है, जिसका आपको बाद में इम्पेक्ट दिखेगा। यहाँ देखेंगे तो DI's ने होल्डिंग थोड़ा कम करा है, FI ने बढ़ाया है और प्रमोटर एज इट इज है। और यहाँ देखेंगे पब्लिक होल्डिंग भी घटी है, तो FI तो बहुत कम गलत होता है, इस चीज को भी ध्यान में रखें। यहाँ अगर इस स्टॉक के डिलीवरी को देखेंगे तो बेटर डिलीवरी है, टेक्निकल थोड़ा ट्रेंड वीक है। 3 मंथ में स्टॉक ने 10% से ज्यादा की गिरावट दिखाई है। यहाँ अगर देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.75 CR के वॉल्यूम रहे थे, जिसमें बाइंग क्वांटिटी नियर अराउंड 4000 के आसपास का है। यहाँ देखेंगे 46% डिलीवरी उठाई गई है। और एक बार चार्ट को देखेंगे, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं चूंकि 10% का करेक्शन पिछले 3 मंथ में दिखा है तो लोगों का ये मानना है कि अब ये स्टॉक यहां से अगेन 50 आ जाएगा, तो बिल्कुल मैं इस बात को अग्रीड नहीं करता हूं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बिल्कुल वीक है, या तो 100 के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट करने दे शॉर्ट टर्म के लिए, या फिर 83 के लेवल के नीचे का ब्रेकडाउन का वेट करें। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लेवल आपको दिख रहा है, सिंपली आप समझे कि ये जो लेवल आपको ये वाला दिख रहा है, ये लेवल 75 से 80 के बीच में, ये एक अपॉर्चुनिटी है जहां सियोरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ग्रैब करने चाहिए, जहां टारगेट 100, 140 और 220 तक का दिखेगा। 100 तक के टारगेट मुझे लगते हैं कि मैक्सिमम 3 मंथ और 140, 220 1.5 ईयर से 2 ईयर के ड्यूरेशन में दिख सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर बिल्कुल इग्नोर करें।